हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं वही सेम लोकेशन पे जहाँ पे पागल लड़की और अजीत की आत्मा दिखाई देती। आज आने का रीजन मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे कई सारे वीडियो बनाए और जितनी बार भी आए उतनी बार नुकसान हुआ हमारा और कई लोगों को यहाँ पे गंवाना पड़ा और जिसमें अजीत की तो डेथ हो गई और अजीत भी अब साथ में रहता है और मम्मी पापा जो पागल लड़की थे उनको लाए, वो भी गायब हो गए। उसके बाद मनीष आया, मनीष तो मिल गया है लेकिन आज मैं उसको बहुत ही मुश्किल से कई जगह से बाबाओं को लाए और कई जगह से ताबीज पूजा पाठ करो तब जाके मनीष को बचा पाए थे। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, मैं आप लोगों को सीधा बता देता हूँ। यहाँ पे सुनने में आया है कि जो वो यहाँ पे कमरा था एक, उसके अंदर कुछ अजीबो गरीब दिन के टाइम आज रोने की आवाजें आ रही थी। कुछ लोग बोलते हैं कि एक लड़का गांव से गायब हुआ है, हो सकता है कि वही ना हो और इसको लोग खोलना चाहे लेकिन हिम्मत नहीं हुई और यहाँ तक आ नहीं पाए, तो इसीलिए हम लोगों को बताया। तो हम लोगों को अरे वो बता दिया था लगभग 3 बजे के टाइम फोन आया था, दिन के टाइम 3:30-4 बजे। लेकिन यार हमारे घर से यहाँ की लोकेशन सही बताऊं आप लोगों को कसम से 60 किलोमीटर के करीब होगी, ज्यादा क्योंकि हम पहले आते थे तो यहाँ पे रिलेशन है, वहाँ पे रुक के वीडियो बनाते थे लेकिन अब हम यहाँ पे आए हैं तो घर से सीधा आए। तो 3 बजे फोन आया, तुरंत हम लोगों ने खाना वाना खाया और तुरंत वहां से निकल लिए। तो अब जाके टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टाइम दोस्तों सही बता रहा हूँ, टाइम 10 बज रहे हैं रात के, ज्यादा हम नहीं बता रहे हैं कि आप लोगों को बता दें 11 बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, तो 10 बज रहे हैं और अब हम आ ही चुके हैं यहाँ पे। अब आप लोगों को दिखाएंगे जो भी चीज होगी उसके अंदर हम खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग वो के पास सेफ्टी है, सिर्फ 3 ही लोग आए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करना और अभी तक जो स्किप कर दिया है अब देख रहे हो तो अब तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे में भाई कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल यार, तो प्लीज भाइयों स्किप मत करना, पूरा देख लेना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आप यह करते हैं जो गन्ने का खेत गन्ना है, ये काफी ज्यादा पहले छोटा हुआ करता था, जो पिछली वीडियो भी तुम देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना। और यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे और भी पेड़ लगे हुए थे लेकिन वो पेड़ कट गए। जिस पेड़ में अजीत और पागल लड़की पे मौत हुई थी वो पेड़ को किसी ने काटा नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई, बाकी के पेड़ कट गए। पहले यहाँ पे खूब ज्यादा पेड़ हुआ करते थे, आप लोग पिछली वीडियो देखना स्टार्टिंग की तब पता चलेगा आप लोगों को। तो ए ओ कमरा जो जिसके अंदर से अक्सर बताती है आज के टाइम रोने की आवाज है और गांव से एक लड़का भी गायब हुआ है। तो भैया कैमरा को पास लेके हम दिखाते हैं अंदर, देखते हैं कि दिखता है नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा यार, लाइट नहीं लग पा रही अंदर उजेला। एक मिनट, नहीं दिख रहा भाई, ऊपर से लाओ लाइट लगाते हैं। कुछ जुगाड़ नहीं, लाइट लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई छिपकली बहुत आ रहा है, लाइट अलग करोगे तभी लग पाएगी। हाँ भाई देखते हैं चल के, यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाई, पकड़ कैमरा पकड़ भाई, अब चलते हैं सीधे पेड़, अभी ना कुछ होगा तो हम लोग वेट करेंगे रोए और तब हम इसको तोड़ भी सकते हैं। अगर ऐसे तोड़ेंगे तो गांव वाले भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर उनके बताते हैं कि कीमती सामान भी कुछ रखा हुआ है। बिल्कुल यार, क्योंकि यहाँ पे समर बोरिंग है, समर का पूरा सामान रखा हुआ है, वो लोग बोल भी सकते कि तुम लोग चोरी करने के लिए आए हो। भैया ये क्या, इसका भी मैं आप लोगों को बताऊं, जो ये डाले कटी है इसका रीजन मैं बताऊं,
जिसने ये डाले काटती है, उसके बाद वो यहाँ से घर गया और अचानक बेहोश हो गया। उसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती, बताया तो शायद था ना फोन पे कि बता रहे थे भैया हम डाले काटते हैं, उसके बाद वो अचानक यहाँ से सही चला गया। उन्हीं के घर का लड़का गायब हुआ था शायद, उन्हीं के घर का। हाँ वही तो बोल रहे थे ना कि उनके घर पे कोई था नहीं, वो बेहोश हो गए, तो लड़का फिर आया था यहाँ पे देखने के लिए आखिर हुआ क्या है, उसके बाद फिर अचानक गायब हुआ है। पूरी बात समझ में आई। अब आप लोग समझ गए हो तो बताना, अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करना कि भैया अभी नहीं समझ में आया। तो इसीलिए डाले काट दी गई थी, काटा था और वो बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, उसकी बचने की उम्मीद बिल्कुल कम थी। तो भाई अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ, लेकिन वो लड़का बस देखने के लिए आया, उसके बाद तो गायब हो गया भैया। इसके बाद किसी को कोई जानकारी नहीं कि कहाँ पे वो गायब हुआ है। तो यार जो भी नए जुड़े उनको बता दो फिर यहाँ की घटना क्या। हाँ जैसे कि जैसे कुछ भाई नए होते हैं, कुछ भाई रेगुलर है वीडियो यहाँ की, जरूर आप लोगों ने देखा होगा उसके साथ क्या हुआ था। तो जो पागल लड़की थी वो अजीत के, मतलब उसका अफेयर चल रहा था, अजीत चला गया था बाहर काम करने के लिए। अब मैं फिर से बता देता हूँ कुछ नए भाइयों के लिए, अजीत चला गया था बाहर काम करने के लिए, वो डिप्रेशन में चले गए, उसको लगा कि अजीत किसी लड़की को लेके गया है बाहर, तो इसीलिए धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। इलाज भी हुआ उसका, उसकी मम्मी पापा बोल रहे थे, बात भी हुई थी, यहाँ पे वीडियो भी बनवाने आए थे, लेकिन वो पागल हो गई और पागल होकर यहीं से आ गई और उसने अपना सर पटक पटक के जान दे दी। उसके बाद अजीत को लेके आए, जिसको गायब करके मार दिया। अब अजीत भी साथ में रहता, अब दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ओए आवाज अभी बहुत अच्छी लगी थी, आवाज लग रही थी ना। हम जानते हैं कि तुम दोनों यहीं पर हो, वो जो अंदर से आ रही है, हम जानते हैं कि तुम सुन भी रही हो और रहे हो कि तुम दोनों यहीं पे हो। किसी वीडियो को अमित भाई अटैक कर सकती है दोनों, तो क्या तुम दोनों बताओगे कि वो लड़कों को कहाँ छुपा के रखा है? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग वीडियो देखते मत करना। अंदर देखने हम लोग जा रहे हैं, क्या ये देखो ऐसे ही आवाज आ रही थी, लेकिन उस टाइम जो जिस तरीके से फोन करके बताते कि रोने की आवाज आ रही थी, रो तो भैया अभी कोई नहीं रहा है। जो भी कोई यहाँ पे हो सामने आओ, हमें बिल्कुल कंफर्म है कि वही दोनों होंगे। पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल, पूरा कंफर्म है कि वही दोनों होंगे। ओए और कुछ हो नहीं, कौन है वो? दीवाल, दीवाल पे हाथ, दीवाल पे हाथ। ओए ओए ये ऊपर भी होए, वही दोनों है यार, वही दोनों, तो वही दोनों है यार, वही दोनों, और कोई यहाँ पे नहीं। नहीं इसी दोनों को परेशान करते हैं। क्यों उस लड़के को कहाँ पे छुपा के रखा, क्यों मार दिया? क्यों? क्योंकि उस पेड़ की दिया डाले काटने का, अब देखो तो उसको क्यों मारा उस लड़के की क्या गलती थी जिसने यहाँ पे उस पेड़ की डाले काटी, तुम उसको मारते, उसको मारती, लेकिन उस लड़के की क्या गलती थी? पेड़ तो उस लड़के की नहीं गलती थी, उसके पापा को सजा दो ना। उस लड़के ने पेड़ कहाँ काटा, वो तो काटने वाले कोई और थे। काटा इसको लगता है कि उसी ने काटा होगा, लड़के ने नहीं। वो दरवाजे के पास देखो, दरवाजे के पास लड़का भैया गायब हुआ है ना, बात तो ये है। दरवाजे के पास कुछ दिख रहा है, हाथ निकल रहा है उसके पीछे। लड़के का पता बता तो हम लोग बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, चले जाएंगे। बताना होगा तुम्हें लड़के का पता, क्यों नहीं बताओगे? कोई कोई अरे अभी वो दोनों एक पास से आ गए यार, अभी तो नहीं थे, कहाँ से आ गए दूसरा? ये दोनों भैया मैं सीधे बता दूं कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लगभग चार पांच बार बाबा को लेके आए और मुक्ति नहीं दिला पाए, तो इतना ज्यादा खतरनाक है, आप लोग देख ही सकते हो और पता भी है आप लोगों को। अरे पेड़ पे, पेड़ पे,
कैप्चर हो रहा भाई, हाँ भाई दिख रहा है ना, हाँ भाई दिख रहा है। क्या चाहते हो तुम बता दो ना, लड़के को कहाँ पे छुपाया है, क्यों मार दोगे उसको, उसकी बेचारी की क्या गलती है, मारना तो उसके पापा को मारो। अब वो उसके पापा बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन लड़का गायब है और उन लोगों ने हम लोगों को बोला कि भैया आप ही लोग हो कि बचा सकते हो, जिस तरीके से मनीष को बताया था, क्योंकि वो लोग भी वीडियो देखते हैं और इस लोकेशन से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते, तो किसी भी टाइम मैं तो पेड़ पे चढ़ रही थी, कहाँ चली गई थी जल्दी, किसी भी टाइम वो नुकसान पहुंचा सकते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो किस तरह। और आप आओ तुम, अरे भाई कैमरा ले, क्या कैमरा ऊपर तू देख, अरे अरे यार ये, ओ यार ओ कितनी खतरनाक यार, बहुत यार देख सकते हो यार आप लोग, कूदना पड़े पर ये बता दो हम लोग चले, ओए निकलो यार, कूदने वाली थी। आप लोगों ने देखा कि कितने ऊपर चढ़ के बैठी हुई है और यहीं से बैठती थी, और इसमें जो पेड़ की डाले काट गए हैं वो लोग उनको परेशान कर दिया और उनके लड़के को गायब कर दिया, लड़के का पता लगाना है, भले क्यों ना हमको यहाँ पे पूरे रात आ जाओ, मिलना रुकना पड़े, आप लोग कहीं पर भी मत जाना छोड़ के, देखना क्या आगे होता है, हम लोगों के साथ कुछ होता है या लड़का मिल पाता है नहीं, या हम लोगों के साथ कुछ हो जाता है या लड़का मिल जाता है, तो सिर्फ आप लोग देखते रहना। जैसा कि पिछले मनीष और मम्मी पापा वहाँ पे मिले थे, एक बार चलते क्या वहीं पे देखने, चलो यार लोग रास्ते से हटेंगे तब तो चलेंगे यार, नहीं इनको चलो तुम बता दो प्लीज, हम तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मैंने पहले भी वादा किया था तो नहीं आए, लेकिन तुमने फिर एक लड़के को गायब कर दिया, इसीलिए हम लोग फिर से आए। अमित भाई वो दिखा रही है, ये तो अभी पेड़ पे है यार, वो भी आ रही है यार, वो भी नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, और तुम लोगों ने फिर से परेशान करना चालू कर दिया, इसलिए हम लोगों को मजबूरन फिर से यहाँ पे आना पड़ा है। जाने दो, देखते हैं करके किसी वहाँ पे लड़का हो सकता है, जैसे कि मनीष मिला था इधर भी, अमित भाई तो आ गया रास्ते से, क्योंकि कोई भी रास्ते में दिन के टाइम निकलेगा तो डर जाएगा, किसी परेशान हो जाएगा अगर कोई नीचे से भी निकलता है तो, बोलो यार गायब ना हो जाए करते तो आएंगे ना, अजीब से चल रही है, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम लोग पता लगाएंगे जाके एक बार जरूर देखेंगे वहाँ पे वो लड़का है या नहीं है, पास में आ रही है, अरे ओए लोग इन लोगों को जाने दो, लेकिन हम लोग तुम चलते हैं देखते चलते हैं। क्या हुआ भाई यार, लग रहा तो कोई जानवर है, लग रहा पिछली बार यहीं पे वो दोनों मिले थे ना, वो एक लड़का जो गायब हुआ था, ओए इसी तरफ दोनों जा रहे लग रहा है, अरे उधर पेड़ के पास देख, लग रहा है वो देख, उधर देख, उधर देख, ओए ये ओए पेड़ के पास भी कोई है यार, इस पेड़ पे भी देख चल के यार, अभी हमने देखा यार पेड़ के पास है यार कोई, अभी दिखा था यार वही तो,
अभी दोस्त यहीं पे देखो बता दे। क्यों नहीं बताओगी? ओए निकल, ओए निकल, निकल। अबे ओए ओए पीछा कर रहे हैं यार। चल पहले अपनी सेवे फेर जाने चल। वो अब नहीं दिख रहे यार। आवाज आ रही है वो रखे हैं आसपास। कुछ भी नहीं यार, धूल उड़ गई बहुत ज्यादा। तो कुछ नहीं यार, है लग रहा आ ही रहे हैं यार ये। भाई पीछे चल, पीछे बढ़ते रह। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा खतरनाक है ये दोनों, और किसी भी वक्त ये हम लोगों की जान ले सकते हैं, और इनसे बचना होगा। और क्योंकि खतरा है ये देखो आ ही रहे भैया, पीछे चल पीछे चल। और वो लड़का वहाँ पे नहीं मिला है, इसके लिए कुछ करना होगा। बाबा को लाना होगा या गाँव वालों को भी लाना होगा, क्योंकि गाँव वाले आते नहीं। जब साथ में आएंगे आज तो आएंगे, फिर अब यहीं पे हम रुकेंगे, आज जाएंगे नहीं। कल उस लड़के का पता जरूर लगाना, क्योंकि अगर ज्यादा देर होगी तो अजीत को भी मार सकते हैं। पिछली बार यही हुआ था, लेट होने की वजह से अजीत को मार दिया। अजीत की जान चली गई। ये देखो भाई पड़ेगा था भाई, कैप्चर हो रहा है, कैप्चर हो रहा भाई। धूल बहुत उड़ी ज्यादा टाइम रुकना ठीक नहीं है। पेड़ पे चढ़ गया यार, चढ़ गए वो पागल उसकी चढ़ी। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम यहाँ पे रुकना नहीं, क्योंकि इन लोगों से आप लोगों को पता ही इनका कुछ नहीं कर पाए बाबा लोग, तो हम रे क्या हिम्मत है। लेकिन हम पता जरूर लगा लेंगे, भले क्यों ना हमको यहाँ पे अपनी जान ही गंवा देनी पड़े। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी मत जाना, वो जरूर देख लेना वीडियो, किसमें वो लड़का मिलता है या नहीं मिलता है। नेक्स्ट वीडियो वही होगा, और आप लोगों से उम्मीद है ये भी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं फिर अमित भाई नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल, और मोस्ट हॉन्टेड पे भी एक बार विजिट करके देख लेना, जो कि अमित भाई लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।